अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं मंडी गया मीरपुरनी। मैं कह रहा कोई मैं भी कुर्बानी वैसे कोई गां शां खरीद लिया। जो दोस्तों मैं ग्रां खरीदन गया तक के गावों की कीमत बहुत ज्यादा सन। गां पूछो छोटी जी गां भी लाख डेढ़ लाख दो लाख की। मैं फिर देखता रहा फिरदा रहा दोस्तों कि केड़ी गां पसंद करा। आखिरकार एक बैड़ा मैं पसंद आया तो मैं वो खरीदया, लेकिन वो बैड़ा बहुत ही महंगा सी। 1,50,000 का दिता गया है, बड़ा छोटा जहा। मैं क्या चलो भाई जी कुरबानी तो देनी है, पैसे थे नहीं तकड़े। तो फिर मैं मंडी चो बैड़ा पकड़िया, सुजुकी चाढ़िया, सुजुकी चाढ़ के तो फिर घर लिया। बैड़ा बड़ा माश प्यारा सी, बड़ा प्यारा लग रहा। हूँ पिछले साल की निस्बत इस साल हर चीज़ डबल हो गई कीमत उन्होंने। तो दोस्तों देखो मंजा मैं तुम्हें सारे दसदा है, गावं ने तरह तरह दिया गावं ने और बड़िया अच्छी गावं ने। मैनू बड़िया प्यारिया गावं लगिया ने, तो तुम भी अपने कमेंट्स दसो कि एक कैसिया ने। छोटी मंडी है और उत्थे पुछो तो दसते हैं 3,00,000, वो भी 3,00,000 है। तो फिर कीमत करद्या 2,00,000-2,50,000 आ जाते हैं जी। फिर दो इन्हों की कीमत बारगेनिंग करनी पैंती है। मैं बड़ा परेशान हो, बारिश लग गई और बकरियां भी तकियां, सिंधी बकरियां सन, उस तो बाद बीतल बकरियां सन। ये सारे पंजाब के व्यापारी आए थे सन और अपना बेच रहे सन। खैर एक उन्होंने भी बेचारे सीजन लाना है, साल पूरी वो मेहनत करते हैं, साल बाद जानवर तैयार होता है और उसकी कीमत दाम लेंदे ने, कीमत लेंदे ने। माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे भी जानवर सन, बिच जिन्हां गावं सन, मंझां सन, ये गावं सन। बड़ी बड़ी महंगी गां सी, कोई 4,00,000 की भी सी, 3,00,000 की भी सी, और बड़ियां अच्छियां गावं सन। देखो दोस्तों ये तुसी भी, मैं तुहानूं सभ नूं इही कहांगा कि तुसी भी जाओ ये दोंदा ऐ दा को ऐ दस रहा जी ये दोंदा वे। तो मैनूं पहले नहीं पता सी ये दोंदा की हुंदा जी, वो फिर उन्हें दंद खोल के दसे ने ये दोंदा वे जी, ये चोगा है जी। तो मैं बड़ा हैरान होया, ये हुण तक बकरिया ने, ये देसी बकरिया ने, बकरे ने। यह पिछे दो बैड़े, यह दो सन जी बैड़े, तो इन्हां दी दस रहा सी कि 3,00,000 रख के 4,00,000 मांग रहा सी दोवां दे। मैं क्या यार कोई जायज़ जायज़ कर, तो उसने कहा जी ठीक है, कोई जायज़ जायज़ कर दिता उन्हें। तो एक फिर मैं खरीद लिया कुरबानी वास्ते। उस तो बाद फिर कुरबानी तो बाद जनाब दूई साड़ी फटीक शुरू हो गई। कसाई साहब को टाइम लेना पाया, वो कहता जी बिजी मैं फलाने दिन आगा। तो यह देखो तुम ए देसी बकरे ने, यह बेचारे को थोड़े थोड़े बारिश की वजह सुस्त होए सन, छोटे छोटे ने। पूछो तो कि जी 40,000 का जी, ये 50,000 का, ठीक है। और यह बैड़ा मैनू अच्छा लग्या, लेकिन यह बैड़ा विक चुकया था सी। तो मैं फिर उसकी कीमत नहीं ला सकिया। तो दोस्तों यह सारिया देखो तुम कितने प्यारे लोग, दूरों लोग आते हैं, एक साल मेहनत करते ने, अपने जानवर पालते ने और उन्होंने फिर दाम लेंदे ने। तो मैं तमाम दोस्तों यही कहंगा कि चलो जायज़ जायज़ करके इन्हों उन्होंने पैसे दिते जान। तो और इस वास्ते वो अगर 1,00,000 की चीज़ है तो वो 1,50,000 की दस दे, पता होंगे कि ये 1,50,000 ही देंगे। अगर 2,00,000 की है तो वो 2,50,000 दसते हैं, वह खुद ही बारगेनिंग करते हैं। तो देखो माशाल्लाह कितने प्यारे जानवर ने, हुण तुसीं देखते जाओ कितने प्यारी ये गां है जी। ये मैनूं बहुत अच्छी लगी है जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी है दोस्तों, बहुत अच्छी और पली दी सी। ये देसी है कि केड़ी है इसका मैनूं नहीं पता। यह बकरी सी जी, ये सिंधी बकरे ने, देसी बकरे कह रहे से, देसी बकरे ने जी। तो मैं क्या चलो भी चैक कर लेंदे देसी बकरे भी, एक अद्ध बकरा लिया वे। यह छोटे छोटे ने, ये कहते जी मैं क्या जमीन पर खाते ने, कहते नहीं जी ये मंजी उपर ही खाते ने। असी खुद साल पूरा इन्हें मेहनत करते हैं और इन्हों पालते हैं, 2-2 साल 3-3 साल इन्हों लगते हैं पालन के। तो उस तो बाद असी इन्हों फरोखत करते हैं। तो बड़ी अच्छी गल है जी, तुसी आओ मंडी बिच और अपने पसंदीदा जानवर खरीदो। और दोस्तों मैं फिर इजाजत चाहूँगा तुहाडे कोलों, ओके जी।